विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर जी, आइए उनसे बात करते हैं। आखिर क्या एजेंडा लेके पब्लिक के सामने है? विधायक जी, इस बार आपको दोबारा से टिकट मिला है, पार्टी ने आप पे भरोसा जताया, आखिर किस तरह के एजेंडे आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को और किसान के बेटे को पुनः दोबारा टिकट दिया। और जो भी यहाँ के विकास में जो अपूर्ण रह गए हैं, सड़कें रह गई हैं, पानी जो समस्या है या पुलों का निर्माण है, उसे पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि अब मुझे समय अधिक मिलेगा। 14 महीने के कार्यकाल में लगभग 200 सड़कें का निर्माण कराने का काम किया, और भी विद्यालयों के भी निर्माण हुए, और जो पानी की खारे पानी की समस्या थी उसमें भी भू सतह जल के माध्यम से गंगा नदी से नरोरा कलकत्ती से पानी यहाँ पर आएगा, या वाटर बॉक्स बना करके प्रत्येक घर में गंगा जल पीने को मिलेगा, और जो भी और समस्याएं हैं उनका सबका समाधान करूंगा। टूड़ला विधानसभा में विकास की गंगा बहेगी, तो और सभी में कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे पुनः टिकट मिला, और यहाँ की सभी मतदाताओं को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और पुनः मुझे एक बड़ी जीत के साथ मुझे आशीर्वाद देंगे, और बड़ी जीत के साथ में मुझे विधायक बनाने का काम करेंगे। जैसे पार्टियों में अभी आया राम गया राम लगा हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारी पार्टी में जो कार्यकर्ता सच्चा है, जो निष्ठावान है, वो तो कोई जाता ही नहीं है, कोई गया ही नहीं है, जो आया होगा वो चला गया होगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहे, या विधायक रहे, या सांसद रहे, मंत्री रहे, वो पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा है, और वो पार्टी के प्रति अपना भावना और विचार रखते हैं, तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, कोई नहीं जाएगा। टूड़ला में सबसे बड़ी समस्या जो ट्रेनों को लेके है, ट्रेनें जो स्टॉपेज खत्म किए जा रहे हैं, उस तरफ आपका क्या रुझान रहा और क्या रुझान आगे रहेगा? देखिए, कोविड की वजह से ये कोरोना की समस्या थी, स्टॉपेज जो हुए थे वो पहली लहर में कोविड में बंद की गई थी, फिर दोबारा कोविड की लहर आई थी उसमें बंद की गई थी। अगर कोविड की लहर थोड़ी फिर लग रहा है कि तो बढ़ रही है, इसलिए ये स्टॉपेज हुए, मगर कोविड खत्म हो जाएगा तो पुनः पूरी सुचारू रूप से चलेगी सभी ट्रेनें। हमारी पार्टी में जो कार्यकर्ता सच्चा है, जो निष्ठावान है, वो तो कोई जाता ही नहीं है, कोई गया ही नहीं है, जो आया होगा वो चला गया होगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहे, या विधायक रहे, या सांसद रहे, मंत्री रहे, वो पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा है, और वो पार्टी के प्रति अपना भावना और विचार रखते हैं, तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, कोई नहीं जाएगा। टूड़ला में सबसे बड़ी समस्या जो ट्रेनों को लेके है, ट्रेनें जो स्टॉपेज खत्म किए जा रहे हैं, उस तरफ आपका क्या रुझान रहा और क्या रुझान आगे रहेगा? देखिए, कोविड की वजह से ये कोरोना की समस्या थी, स्टॉपेज जो हुए थे वो पहली लहर में कोविड में बंद की गई थी, फिर दोबारा कोविड की लहर आई थी उसमें बंद की गई थी। अगर कोविड की लहर थोड़ी फिर लग रहा है कि तो बढ़ रही है, इसलिए ये स्टॉपेज हुए, मगर कोविड खत्म हो जाएगा तो पुनः पूरी सुचारू रूप से चलेगी सभी ट्रेनें। इस समय जैसे जिस तरह से कोरोना चल रहा है, कोरोना का अभाव बढ़ा हुआ है, उसको लेकर कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए आप किस तरह से कैंपेन करेंगे और क्या एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, प्रचार प्रसार तो कम ही रहेगा, कम संख्या में जाएंगे, वर्चुअल मीटिंग भी रहेंगी, और कोविड का बचाव रखेंगे, मास्क फास्क लगा करके भी रखेंगे, और 2 गज की दूरी भी रहेगी, तो पूरा पालन हम कोविड का करेंगे। जो भी गाइडलाइन आयोग से आएगी वो हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। नारकी क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले आपका विरोध हुआ था, इसकी वजह क्या रही? विरोध नहीं हुआ था, थोड़ा ओलावृष्टि के माध्यम से वहाँ लोग इकट्ठे हो गए थे, कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ जैसे प्रधान वहाँ के जो डोरी के प्रधान थे, तो समाजवादी पार्टी के थे, वो क्या तय करेंगे के प्रत्याशी कौन होना चाहिए, तो वो लोग ऐसे अफवाह उड़ा रहे थे। हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्पित जो लोग हैं, वो कहीं कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सब साथ हैं। तो ये थे हमारे टूड़ला से विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर। इनका साफ कहना है कि आने वाले समय में जब हमें पूरा मौका मिलेगा तो हम विकास की गंगा बहाएंगे। हितेंद्र यादव, फिरोज आवाज, R9 न्यूज़।